करो, छोड़ो, छोड़ो। चलो। मिस टीना। ए कौन है रे? ए चलो। अगर मेरी फैमिली को खरोच भी आई ना तो मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। भैया पहली ईंट माता रानी के आशीर्वाद के बिना थोड़ी ना लग जाएगी। अर्जुन कोई देख लेगा, अर्जुन छोड़ो ना। सचमुच अर्जुन कोई देख लेगा, छोड़ो। ये क्या किया तूने? माँ वो चुप। माँ के आते इसे ऐसे छोड़ दिया जैसे तू इसे जानता तक नहीं। माँ एक्चुअली ये टी व्हाट? आप लोग हंस रहे हैं? अब शहर के नंबर वन लॉयर को भीगी बिल्ली बने देखूंगी तो हंसी तो आएगी ना। क्यों मिश्री? मतलब आप पहले से जानती थी कि ये? और नहीं तो क्या, काफी दिनों से। अब मैं तुम्हारी तरह बुद्धू तो हूं नहीं कि अपनी मिस्ट्री को पहचानने में इतने दिन लगा दूं। माता रानी करे कि ऐसे ही तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे और हंसते रहो। अब माँ ये किस लिए? मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी को पहचानने में थोड़ी देर कर दी लेकिन। चुप कर। घर की नई दीवार की पहली ईंट घर की लक्ष्मी तो रखेगी ना, है कि नहीं? चल बेटा माँ का आशीर्वाद ले ले। मौसी जी, बहुरानी, पहली ईंट हमेशा घर की लक्ष्मी रखती है और ये घर की लक्ष्मी सिर्फ मिश्री है जो तुम्हें नहीं है। अरे लक्ष्मी नहीं है तो क्या हुआ मौसी जी, सूरपनखा तो है। हमारा मतलब है हमरी अन्नू तो है। अन्नू जा, पहली ईंट जाके तू रख जा। ए, चुप रहे। अरे इनको तो हम घर में ना रखे। आई बड़ी वो तो हम पूर्णिक वजह से चुप हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वरना इनको तो। ए देखो इसे कह दो कि हमसे छेड़छाड़ ना करे वरना ई अपहरणकर्ता को हम अभी के अभी जेल भेज देंगे। चिंता मत करिए बड़ी दादी, बहुत ही जल्दी इसे इसकी की सजा मिल जाएगी और मिश्री भी बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी। तब तक आप मिस टीना को पहले ईंट रखने दीजिए। आप ही कहती है ना ये आपको मिश्री की याद दिलाती है, तो अगर मिश्री ने तो मिश्री जैसी ही सही। ये मामी इससे पहली ईंट रखवा रही थी तब तक लग रहा था कि यही मिश्री है, पर जब मौसी जी ने उनका हाथ रोका तब ईना लगा कि ई तो टी ही है। जब अर्जुन बड़ी नानी को मिश्री के लिए मना रहा था तब लग रहा था कि हाँ कहीं यही तो असली मिश्री नहीं है। राम भला करे का इमरती जैसी पहेली है। रुको मासी, इस इमरती को तो मैं अभी सीधा करती हूँ। हाँ मौसी जी, ये घर तो टीना का ही है ना।
लेकिन उसने एक बार भी हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। फैशन शो वाले दिन भी उसने मेरी कितनी हिम्मत बढ़ाई। अर्जुन और अश्विन के पापा की जिंदगी बचा। डैड, रुक जाओ। डैड नहीं, डैड। आप ही बताइए मौसी जी, इतनी प्यारी बच्ची के हाथों से क्या हम ये शुभ काम नहीं करवा सकते? बेटिया, ये बात एकदम सही है कि तूने हम अजनबियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तू गलत ना है, पर ये भी सच है कि तू मिस्री ना है। बस एक खातिर हम तेरे को रोके हैं, और कोनो बात नहीं है, पर ये घर तेरा है, चल रख, ईट रख। हथौड़ों की मार झेल जाना मैं शिमाइन नहीं करती, लेकिन बड़ी दादी का एक आंसू भी हमें तोड़ने को काफी है। प्लीज हमें हिम्मत दो कि हम जल्द से जल्द इस नाटक को खत्म करके इन्हें इनकी मिश्री ही नहीं, इनकी असली अनु से भी मिला पाए। ज्यादा चिंता मत करो, अब तो जल्दी ये ड्रामा खत्म होने वाला है ना। पहले अंदर आके खाना खा लो, फिर बाबा से मिलने चले जाना।